देखिए जी, पाकिस्तान में दम हो तो इस सीमा को ले जाइए। मैं पाकिस्तान की सरकार को कह रहा हूँ, उनमें दम है तो ले जाओ। हमारी योगी जी में ज्यादा दम है, वो नहीं ले जान देंगे। नहीं, रात वायरलेस आइए थाने पे, ठीक है? पाकिस्तानी महिला को हम नहीं जान देंगे। जब तारा सिंह पाकिस्तान जा सकता है बिना उसके वीजा के, बिना हिंदुस्तान नहीं आ सकता। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा पाकिस्तान। हाँ, प्यार जो प्यार करता वो आ सकता है। पाकिस्तान से जाने की जरूरत पड़ रही है महिलाओं को, भारत की महिलाएं कम हो गई है क्या? जब ज्योति मोर्रे जैसी महिलाएं निकलेंगी तो भारत का युवा क्या करेगा? जय श्री राम। क्या बात है, बात में जय श्री राम के नारे से इसने तो प्यार किया है, प्यार में आई है। और हम लोग तो इसे घेवर खिलाएंगे, मिठाई है घेवर। जासूस बता रहे हैं इसको, उर्दू के एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वैसे लग रहा है पूरी ट्रेंड होकर आई है, हिंदी पूरी बोल रही है। तो अगर जासूस निकली तो सरकार उसको माफ नहीं करेगी। हाँ, किसी भी कीमत पे उसको। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। सीमा से मिलने के लिए लगातार लोग सीमा के घर के बाहर आ रहे हैं, सरहद पार करके अपने प्यार को साबित करने के लिए। सीमा भारत तो आ गई है, लेकिन इस वक्त सीमा अपने घर में मौजूद नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार चैनल्स में इंटरव्यू चल रहा है और अब उनका गला खराब हो गया है। ऐसे में उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया है, लेकिन मैं घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगी। लोगों की भीड़ लगी हुई है, सीमा से मिलने के लिए आ रहे हैं। और आप सोचिए, रबुपुरा गांव के लोगों ने तो सीमा को अपनी बहू मान लिया है और अब सब ये कह रहे हैं कि सीमा यहाँ आ गई है तो सीमा भाई यहाँ से जानी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए सीमा को भारत में ही रहना है। अंकल जी, क्या कहेंगे सीमा को अगर पाकिस्तान मुल्क वापस जाना पड़ा या फिर यहाँ की सरकार भेजे तब? देखिए जी, पाकिस्तान में दम हो तो इस सीमा को ले जाइए। कैसे ले जाए? पाकिस्तान वालों को दम हो, इसे सीमा को लेके दिखाइए, कैसे ले जाएंगे? लेके जाएंगे नहीं, ले जा सकते हमारे यहाँ से। क्यों? वो बहुत बुरा देश है। है तो हमारे में से, हमारा भाई है, हिंदुस्तान में से पाकिस्तान बना है, ये कट्टर है पाकिस्तान। भाई मैं पाकिस्तान की सरकार को कह रहा हूँ, उनमें दम है तो ले जाओ, दम है तो ले जाओ। हमारी योगी जी में ज्यादा दम है, वो नहीं ले जान देंगे। ना ना, योगी जी ले जाने नहीं देंगे। नहीं, रात वायरलेस आइए थाने पे, ठीक है? पाकिस्तानी महिला को हमने जान देंगे। हाँ जी, कब बोला भाई योगी ने ये बात? योगी ने बोला, चलो रोपरा थाने पे चलो, कोतवाली पे मैं पूछवाता हूँ। हाँ, बैठे बाबू की चाय वाले की दुकान। अपना लिया अपने सीमा को? मैंने तो अपना लिया, पूरी बस्ती ने अपना लिया। हाँ, हमारे यहाँ कोई आदमी आता है, एक बच्चा को या इंसान को गिर जाता है, या आप लोग उठाओगे या भैया उठाएगा, उसको अपना लिया, वो धक्का खा के आइए है, उसको बेचारे को प्यार दे रहे हैं, उसके बच्चों को भी प्यार दे रहे हैं। हमारे यहाँ भुखमरी नहीं है, पाकिस्तान में भुखमरी है। हमारे उनके वहाँ 500 रुपए किलो टमाटर बिकता है, हमारे यहाँ 50 रुपए किलो टमाटर बिकता है। अभी भी महंगा लग रहा है। वहाँ 400 रुपए किलो टमाटर है। हाँ, और 350 रुपए किलो आटा बिक रहा है। हाँ, हमारे यहाँ 22 रुपए किलो आटा है। हाँ, तो हमारे यहाँ कैसे भूखे मर जाएंगे? क्या नाम है आपका भैया? हम तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहे। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, पाकिस्तान मुल्क से एक महिला, जब तारा सिंह पाकिस्तान जा सकता है बिना उसके वीजा के, बिना हिंदुस्तान नहीं आ सकती। सारे घर में एक जगह रहती है, दिल की बात सुनी जाती है। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा पाकिस्तान। हाँ, प्यार जो प्यार करता है वो आ सकता है। प्यार करता है तो आ जाएगा पाकिस्तान से। जितना प्यार आप लोग यहाँ दे रहे हैं उसको, अगर सचिन जाता तो मिलता उसको वो प्यार। वो पाकिस्तान का भी कोई हिंदुस्तान, यहाँ तो प्यार का ही मान, प्यार के नाम पर कत्ल है। एक बात होती है ना, हिंदुस्तान है ना, यहाँ तो सारे धर्म एक जगह रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अपराध है ये तो। क्या अपराध? दूसरे मुल्क से भारत में आना, वो भी अपराध। सरकार देख रही है, पाकिस्तान से लाने की जरूरत पड़ रही है महिलाओं को, भारत की महिलाएं कम हो गई है क्या? जब ज्योति मोर्रे जैसी महिलाएं निकलेंगी तो भारत का युवा क्या करेगा? मान जी, मेरे भैया खड़े हैं, ये काम गलत करा, अब इसका जजमेंट तो गवर्नमेंट देगी ना। ये गलत क्या करा है इसने, ये जो हमारे इंडिया में घुसी है, ये जो गलत है, गलत है, ये गलत है। हम क्या छोड़ मेरे, उसको गवर्नमेंट माफ कर सकती है? इसको कर सकती है माफ? कैसे करेगी माफ? मुझे बाहर मांग रही है, मुझे ला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मैं हराना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी तो गवर्नमेंट को चला। अच्छा, एक बात मुझे फांसी मिल जाएगी, आप भी गुहार लगा लीजिएगा सरकार से। अच्छा, मुझे फांसी जा रही है गवर्नमेंट, तो आखिरी मैं कहाँ मांगता हूँ? अच्छा, राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, किसी के पास मारूंगा, वहाँ जाऊंगा, पर मुझे वहाँ होती है। क्या बात है, बात में जय श्री राम के नारे लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे उन्होंने। हाँ, जय श्री राम, पाकिस्तान भारत माता की। अब तो सीमा भी जय श्री राम बोलने लग गई है। बोलेगी जय श्री राम, जय श्री राम।
सनातन धर्म आ गई, बोलेगी हाँ बिल्कुल बोलेगी, पूजा कर रही है, साड़ी पहन रही है, अभिवादन कर रही है, स्वागत है। कहाँ से हैं? झाझर से। झाझर से इनको देखने के लिए तो यहाँ पे देखने के लिए आए, जैसे ही तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। क्या खिलाएंगे सीमा को देखने के लिए? जो उनकी मर्जी होगी वो खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे वो खिलाएंगे, ला देंगे तुरंत खरीद, बिल्कुल लाएंगे। कितनी खुशी है पाकिस्तान से आ गई है? बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी है। क्या लग रहा है अब जो सरकार है कानून के दायरे में, तो ये गलत है कि अवैध रूप से भारत में एंटर हुई है, सजा मिलनी चाहिए? ये तो एजेंसी देखेगी, अब इस चीज को तो क्लियर नहीं है कि ये गलत है या सही है, ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब ये तो एजेंसी देखेंगी कि वो गलत है तो जेल जाएगी, अगर सही है तो यहाँ रहेगी। इसने तो प्यार किया है, प्यार में आई है, और हम लोग तो इसे घेवर खिलाएंगे, मिठाई है घेवर, घेवर खिलाएंगे, हाँ बिल्कुल खिलाएंगे। जासूस बता रहे हैं इसको? नहीं हम तो नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी एजेंसी जासूस बता रही है। एजेंसी जासूस बताएंगी तो देखो आप भी न्यूज में दिखाइए जासूस को, कैसे उसको प्रमाणित करिए जासूस जैसे। पांचवी पढ़ी लिखी है और अंग्रेजी बोलती है, आप कौन सी क्लास में पढ़े हैं? मैं हाँ। मैं बारहवीं तक पढ़ा। आपको आती है अंग्रेजी? हाँ बोल लेता हूँ थोड़ा, बोल लेते हैं। और आप सोचिए आप बारहवीं पढ़े तब आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, वो फराटेदार कैसे बोलती है? ऐसा है हमारे यहाँ जो कचरा बीनने वाले छोटे बच्चे हैं वो स्कूल एक दिन भी नहीं जाते हैं, अगर उनसे आप उनको कोई भी कचरा दीजिए 20 रुपए का तो 20 रुपए देंगे, उनको कैसे पता है 20 रुपए है ये? वो ये क्यों नहीं कहते 500 रुपए? ये भी तो बोल सकते हैं वो। अच्छा ये बताइए सिंधी भी आती है, हिंदी भी आती है उनको? सिंधी भी आती, हिंदी आती, सिंध प्रांत पर रह रहे हैं तो क्यों नहीं आएगी? उर्दू के एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो ऐसे लग रहा है पूरी ट्रेंड होकर आई है, हिंदी पूरी बोल रही है। अगर वो पाकिस्तान में इतने साल तक रही है उनके लफ्ज पे भी एक भी अल्फाज उर्दू का नहीं आ रहा है, कैसे? कहीं ना कहीं लग नहीं रहा प्रैक्टिस करके आई है पूरी की पूरी तैयारी के साथ आई है? तैयारी के साथ क्या है, काफी दिनों से उनकी आपस में वार्तालाप हो रहे हैं, इस चीज को वो कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, कहती है कि भाई हमारी उनसे बातें होती हैं, जब यहाँ बोलेंगी तो यहाँ का तरीका बोलेंगी, आज मैं बहादुरगढ़ चला जाऊँ तो अड़े खड़े करके बोलूंगा मैं, फिर मेरी भाषा को नहीं सोचेगा ना, बिल्कुल बोलूंगा। तो अगर जासूस निकली तो सरकार उसको माफ नहीं करेगी, इसी भी कीमत पे उसको। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आप कह रहे हैं जासूस निकली तो निकली परंतु किंतु परंतु पे छोड़ दिया गया है, अभी एजेंसी को जांच करनी चाहिए थी, इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया गया? देखो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था पहले, मतलब इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी अच्छी तरह से, इनको पूछना चाहिए था कैसे 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 नहीं है। तीन तीन मोबाइल फोन, कई कई पासपोर्ट मिले हैं, और नेपाल पहुंचने के बाद भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि नेपाल से भी उनके पास मोबाइल था, सीमा हैदर के पास मोबाइल था, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल से फोन नहीं किया, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके तब बात किया। क्या लग रहा है वो सही था हॉटस्पॉट से बात करना मोबाइल होने के बावजूद मोबाइल से बात ना करना? ये मुझे जानकारी, मैं कैसे कह दूं हॉटस्पॉट से किया या मोबाइल से? खुद बता रही है, वो खुद ही सारी बातें बोल रही है, ये सारी चीजें उनके साथ जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या लग रहा है सीमा को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए? देखो अगर जासूस है तो वापस जाना चाहिए, जासूस है, जासूस नहीं है तो यहीं रहना चाहिए। आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं सीमा को? जी सीमा को आप लोग अपने यहाँ रख लेंगे? वो रखेंगे, सचिन रखेगा, हम क्या रखेंगे, हम रख लेंगे, और कहो तुम आप लोग रख लेंगे? हाँ हम रख लेंगे, अपने प्यार देंगे, प्यार देंगे, प्यार देंगे, प्यार देंगे, हाँ जी आशीर्वाद देंगे, अपने यहीं रहो, बाल बच्चे थे अच्छे खाओ, अच्छा पहरो, चल मौज लो, चार चार बच्चे हैं, हाँ कोई बात ना, कोई परेशानी ना, कोई परेशानी नहीं, नहीं। तो एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए पहले, कि देखिए कितने सारे लोग सीमा से मिलने आए हैं, लेकिन सीमा यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ की जनता भाई, भारत की जनता आज तो ये देखकर प्रूफ हो गया है कि इतने सारे लोग सीमा से मिलने आ रहे हैं, और सीमा को जितने भी लोग आप कैमरे में देख रहे हैं ये सब चाहते हैं कि सीमा यहीं रहे, हर एक व्यक्ति यहाँ का ये चाहता है कि सीमा यहीं रहे। अब अगर सीमा भारत आ ही गई है तो वापस अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। लोग सीमा को प्यार कर रहे हैं और सीमा को सकीना भाभी बना दिया गया है, सचिन को सनी देओल बना दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कब सीमा आएगी, कब हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो को हम यही है।